सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दबाइए बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट वीडियोस अपडेट्स। शैलेंद्र वो पोएट है, लिरिसिस्ट है, जिनसे मैं काफ़ी प्रभावित हुआ और शुरुआत में तो उनके गानों ने मुझे काफ़ी इम्प्रेस किया और उसके बाद मैंने सोचा कि भाई इनके गाने इतने खूबसूरत हैं, कविताएं भी पढ़नी चाहिए, तो फिर उसके बाद मैं कविताओं से भी काफ़ी प्रभावित हुआ उनके। एक्चुअली सबसे बड़ी वजह यह है कि वो बहुत सिंपल है, जितनी सिंपलिसिटी के साथ शैलेंद्र बात कह पाते हैं और गहरी बात कह पाते हैं वो कमाल है, मतलब आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। एक बार ऐसा हुआ था कि एक गाना एस डी बर्मन को चाहिए था शैलेंद्र से और शैलेंद्र काफ़ी टाल रहे थे, नहीं आज नहीं कल दे दूंगा, कल नहीं परसों दे दूंगा। तो एस डी बर्मन ने अपने अपने बेटे आर डी बर्मन को भेजा शैलेंद्र के घर, कहा कि आज तो तुम्हें गाना लेकर ही लौटना है वरना घर मत लौटना। तो रात का वक्त था, आर डी बर्मन उनके घर पहुँचे, जुहू में उनका घर हुआ करता था, तो वहाँ पहुँचे और उन्होंने कहा कि प्लीज़ सर गाना दे दीजिए, पापा ने कहा है कि गाना लेकर ही लौटना। तो उन्होंने थोड़ी देर टालने की कोशिश की बट आर डी बर्मन टेस्ट से मस्त नहीं हुए, तो उन्होंने कहा ठीक है चलो जूही बीच चलते हैं। तभी बज रहे थे तो रात के 12-1 बज रहे थे, तो वही आर डी बर्मन ने कहा इतनी रात को, बोले अरे चलो ना। तो गए वहाँ पर जूही बीच पर बैठे और फिर उन्होंने कहा कि शरण ने आर डी बर्मन से पूछा कि सिगरेट पीते हो, तो आर डी बर्मन ने तब नया नया सिगरेट पीना शुरू किया था, तो उन्होंने कहा हाँ पीता हूँ। तो बोला अच्छा एक काम करो माचिस निकालो, तो उन्होंने माचिस निकाली और कहा कि अच्छा उस पर ट्यून बजाओ, जो धुन है वो बजाओ। तो उन्होंने धुन बजानी शुरू की, तो शैलेंद्र ने कहा अच्छा वो ऊपर देखो क्या है, तो आर डी बर्मन ने कहा चांद है। तो वो बोले अच्छा तो ऐसा है कि खोया खोया चांद, खुला आसमान, आंखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। तो ये जो बात है, ये जो सिंपलिसिटी से उन्होंने ये बात कह दी, मतलब इसके लिए बहुत बड़े बड़े अलंकार का उपयोग कर सकते थे मगर उन्होंने नहीं किया क्योंकि जरूरत नहीं है। तो ये बहुत मुश्किल है सिंपलिसिटी से बड़ी बात कहना। एक शैलेंद्र का उनका गैर फिल्मी एक गीत मैं पढ़ना चाहूंगा, फिल्मी गीत तो उनके काफी मशहूर है और एक प्रॉब्लम रही है अगर मैं कहूँ कि हिंदी कवियों और उर्दू शायरों के बीच, कि उर्दू शायरों को फिल्म इंडस्ट्री ने गीतकार के तौर पे जितना अच्छे से स्वीकारा और साहित्य में भी उनके योगदान को बराबरी से स्वीकारा गया, कहीं ना कहीं हिंदी गीतकारों के साथ ऐसा नहीं हो पाया। अगर मैं साहिर की बात करूँ या मजहूर की बात करूँ, वो फिल्मों में भी जितने मशहूर रहे शायरी की दुनिया में भी उतने मशहूर रहे, मगर शैलेंद्र को कविताओं में उनको वह स्थान नहीं मिल पाया जो कि उन्हें मिलना चाहिए था। तो उनका एक गैर फिल्मी गीत मैं पढ़ना चाहूँगा, आपको पता चलेगा कि वो एक कवि के तौर पर भी कितने कितने काबिल है, कितने कितने बेहतरीन है। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। सुबह शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर, तू सुन जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर, तू आ मेरा सिंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। ये गम के और चार दिन, सितम के और चार दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर, गुजर गए हजार दिन, कभी तो होगी इस चमन पे भी बहार की नजर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। अगला बंद काफी, इसकी एक लाइन मुझे काफी पसंद है, ये आप गौर फरमाइएगा कि हमारे कारवां का मंजिलों को इंतजार है। अब अगर कोई आम कवि ये लिखता तो शायद लिखता कि हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है, मगर यही होता है कि शैलेंद्र की जो वो अकड़ है, वो ठसक है, वो सामने आती है कि मंजिल हमारे कारवां का इंतजार कर रही है। ये वो अकड़ है जिसके लिए शैलेंद्र मशहूर है कि हमारे कारवां का मंजिलों को इंतजार है, ये आंधियों ये बिजलियों की पीठ पर सवार है, जिधर पड़ेंगे ये कदम बनेगी एक नई डगर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर।